पीपुल्स साइंस मूवमेंट की ओर से शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत 10 अप्रैल भोपाल से कला जत्था निकाला गया है, जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ 30 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेगा। इस जत्थे ने शिक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने और शिक्षा की स्थिति का चित्रण करते हुए विभिन्न कला प्रस्तुतियां मुरैना जिले में टेंटरा, सब्बलगढ़, सेमई, हडवासी, मुरैना में कई स्थानों पर दी है। यह प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं की ओर से दी गई। उन्होंने बहुत ही विशिष्ट अभिनय प्रस्तुत किया, जन जागृति के गीत प्रस्तुत किए, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतियां दी। जत्थे के प्रमुख आशीष पारे, संतोष, पवन पवार आदि रहे। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के संकुचित होते दायरे, आम छात्रों को हाशिए पर धकेले जाने सहित विभिन्न पहलू को कला के जरिए प्रस्तुत किया। विभिन्न स्थानों पर जन संगठन, जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जत्थे का भव्य स्वागत किया। टेंटरा में जयराम कुशवाहा, सब्बलगढ़ में किसान सभा के अशोक तिवारी, मुरारी लाल धाकड़, सेमई में छात्र नेता राजवीर सिंह धाकड़, अन्य स्थानों अशोक राठौर, इजराइल खान, छात्र नेता अरविंद सागर सहित कई लोगों ने स्वागत सत्कार किया। जत्थे ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा को संकुचित करने के बारे में तथ्यात्मक प्रस्तुति दी। हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। शहरों में भी बदहाली है, जेबे काली, बसे काली, सब कुछ काली काली है। दिया सलाई रीढ़ी पुर्जे, क्या ये सामान बना दे, बस जिंदा रहने के खातिर मरते जाते मिटते जाते, मरते जाते मिटते जाते। अरे छोड़ो तो चाय लेके आ जल्दी। अरे जल्दी ला रहे। अरे साहब गलती हो गया, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अरे साहब मारो इसे। होटल में बर्तन धोते फिर भी ये भूखे सोते, अरे होटल में बर्तन धोते फिर भी ये भूखे सोते। ये जीवन को अरे पुलिस वाले। हाँ भैया। फुट पुलिस कितने में करेगा? भैया 50 रुपए लूंगा सिर्फ। चल ठीक है कर दे। ठीक है भैया। और अच्छे से करना, नहीं तो पैसा नहीं दूंगा। अरे भैया आपकी तरह चमका दो, टेंशन मत लो। बकवास बंद करो, क्रीम पॉलिश लगाना। अरे ठीक है भैया। अरे अभी साले पुलिस करते हैं सड़कों पर बोझा ढोते, अरे जूतों पर पुलिस करते सड़कों पर बोझा ढोते। ये जीवन घोटा टुकड़ोता मरता जाता बचपन, मरता जाता धीरे धीरे, मरता जाता बचपन, मरता जाता बचपन। ये जीवन घोटा टुकड़ोता भीख मांग रहे, स्कूल नहीं जाना? अरे गुरुजी स्कूल जाएगा तो भीख कौन मांगेगा? और भीख नहीं मांगेंगे तो हम खाएंगे भी क्या? अरे जीवन की इस रेल पेल में जाने कितने धक्के खाते, बहुत चाह कर भी ये बच्चे ना पढ़ पाते ना लिख पाते।